हेलो स्टूडेंट्स, मॉर्निंग। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। नाउ फर्स्ट वी हैव टू इंट्रोड्यूस वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज एन इम्प्रूव्ड टाइप ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अगर हम बात करें एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की, तो उसमें हम एज ए रेफ्रिजरेंट एयर का यूज़ करते हैं, बट इन द केस ऑफ द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम वी आर यूज्ड द रेफ्रिजरेंट एज ए वर्किंग मीडियम। द रेफ्रिजरेंट मे बी R11, R12, बट रिसेंटली वी आर यूज्ड इन द रेफ्रिजरेशन R134a हाइड्रोकार्बन्स, एंड ऑल्सो द हाइड्रोकार्बन्स वी आर यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट इन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। Firstly, this is the simple diagram of vapor compression refrigeration system. तो सबसे पहले हम इसकी components के बारे में जान लेते हैं। कौन कौन से components हमारे vapor compression refrigeration system में हम use करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास components की। तो components of vapor compression refrigeration system, राइट। तो फर्स्ट वन इज कंप्रेसर, नेक्स्ट इज कंडेंसर, नेक्स्ट वन इज रिसीवर, नेक्स्ट इज एक्सपेंशन वॉल्व, एंड लास्ट वन इज एवोपरेटर। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम हर एक कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, देन उसके बाद हम इसकी वर्किंग देखेंगे कि वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क करता कैसे है, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंप्रेसर की, तो कंप्रेसर का फंक्शन क्या होता है, जो आपका लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट आपका एवोपरेटर से आता है, तो कंप्रेसर क्या करेगा, उसको कंप्रेस्ड करेगा। तो वहाँ पर आपका टेम्परेचर और प्रेशर क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और जो आपका वेपर रेफ्रिजरेंट है, लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट, वो आपका हाई टेम्परेचर प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाता है। देन कंडेंसर का फंक्शन क्या होता है, कंडेंसर विच आर यूज्ड to give up the latent heat from the surroundings and the medium will be air. Next, आपका receiver, जिसमें आपका liquid refrigerant collect होगा। Then उसके बाद आपका expansion valve, यहाँ से आपका जो liquid refrigerant condenser से आ रहा है वो आपका expansion valve के through होता हुआ evaporator में जाएगा। और evaporator का function क्या होता है प्यारे बच्चों, कि जो आपकी यहाँ से लो प्रेशर वेपर और लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, वहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द मीडियम। मीडियम विल बी ग्राइन सॉल्यूशन और एनीथिंग एल्स। नाउ अब हम इसकी बात करते हैं वर्किंग। देखिए प्यारे बच्चों, होता क्या है, ये इसका TS डायग्राम है, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, और ये आपका प्रेशर और एंथैल्पी डायग्राम। इन दोनों डायग्राम्स से हम इसकी वर्किंग को बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो देखिएगा होता क्या है, आपका एवोपरेटर से लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट कहाँ आएगा, फर्स्टली कंप्रेसर में। तो जब कंप्रेसर में आता है, तो कंप्रेसर पॉइंट वन के द्वारा दिखाया गया है यहाँ पर TS डायग्राम में। पॉइंट वन जो है लोकेट कर रहा है, वो आपका कंप्रेसर पॉइंट को लोकेट कर रहा है। तो आपका एवोपरेटर से जो वेपर रेफ्रिजरेंट है, वो इनलेट वॉल्व के थ्रू कंप्रेसर में आएगा। अब कंप्रेसर का फंक्शन क्या होता है, जो आपका लो प्रेशर टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट एवोपरेटर से आया है, उसको कंप्रेस करेगा, ठीक है, और उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जो आपका दिखा रखा है PH और TH डायग्राम।
जो आपका कंप्रेसर में आपका वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेस्ड हो रहा है वो आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा, दैट देयर विल बी द एंट्रोपी विल बी रिमेन कॉन्स्टेंट। नाउ कंप्रेसर के बाद आपका रेफ्रिजरेंट चेंज होगा हाई प्रेशर टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट, यहाँ से आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो आपका जाएगा कंडेंसर में। अब कंडेंसर का फंक्शन क्या होता है, इट गिव्स द लेटेंट हीट टू द सराउंडिंग्स, ठीक है। तो आपका जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, ठीक है, एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। जो आपका पीएच और टीएस डायग्राम में दिखा रखा है, प्रोसेस 2 to 3 इज द कंडेंसिंग प्रोसेस, एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द फेज विल बी चेंज्ड। नाउ ये आपके हाई प्रेशर साइड दिखा रखी है, देन उसके बाद कंडेंसर के बाद आपका जो रेफ्रिजरेंट है लिक्विड रेफ्रिजरेंट आपका जाएगा रिसीवर में। अब रिसीवर से आपका एक्सपेंशन वॉल्व मिल जाएगा, जो प्रोसेस दिखा रखा है 3 to 4, ठीक है, यहाँ पे आपका यहाँ दिखा रखा है टीएस। तो यहाँ पर जब एक्सपेंशन वॉल्व के थ्रू पास होगा तो यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, जो आपका पीएच और टीएस डायग्राम में दिखा रखा है। और जो आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट है ये लो प्रेशर लिक्विड वेपर मिक्सर रेफ्रिजरेंट में चेंज हो जाएगा। नाउ आपका एक्सपेंशन वॉल्व से अब रेफ्रिजरेंट आएगा एवोपरेटर में। अब एवोपरेटर का फंक्शन क्या होता है, इट गिव अप इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इट एब्सॉर्ब द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम द मीडियम। नाउ तो जो आपका लो प्रेशर लिक्विड वेपर मिक्सर आया है वो आपका एवोपरेटर में आएगा, एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर आपका रेफ्रिजरेंट वेपर में चेंज हो जाएगा, देन उसके बाद आपका सर्कुलेट हो जाएगा कंप्रेसर में, और यही आपकी साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है। अगर हम एडवांटेज की बात करें वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की एज़ कम्पेयर टू एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, तो उसकी जो सीओपी होती है वो बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसकी सीओपी हाई होती है। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एक तो इसकी इनिशियल कॉस्ट हाई होती है, एंड देन नेक्स्ट वन इज कि रेफ्रिजरेंट के लीकेज की प्रॉब्लम इसमें मेजर प्रॉब्लम है जिसको हमें प्रिवेंट करना होता है, ठीक है। तो ये आपकी कंपोनेंट्स और वर्किंग कंप्लीट होती है। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द सीओपी ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। थैंक यू।